सी आई ई टी एन सी ई आर टी के जरिए पेश है आठवीं जमात के लिए उर्दू की सौती किताब उर्दू गुलदस्ता सफा नंबर एक उर्दू गुलदस्ता उर्दू की मुआविन दरसी किताब आठवीं जमात के लिए सफा नंबर दस गांधी जी का तिलस्म मैं तुम्हें एक तिलस्म देता हूं जब भी तुम शको शुभा में मुबतला हो जाओ यह तुम्हारा नफ्स तुम पर हावी होने लगे तो इस तजुर्बे को आजमाओ जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने आप से पूछो कि जो कदम उठाने के बारे में तुम सोच रहे हो वो उस आदमी के लिए कितना मुफीद होगा क्या इससे उसे कुछ फायदा पहुंचेगा क्या उससे वो अपनी जिंदगी और मुकद्दर पर कुछ काबू पा सकेगा दूसरे लफ्जों में क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे और रूहें बेचैन हैं तब तुम देखोगे कि तुम्हारा शुभ मिट रहा है और नफ्स जायल हो रहा है मोहनदास करमचंद गांधी पहला सबक सफा एक लिलीपुट का सफर जोनाथन स्विफ्ट पैदाइश सोलह सौ सो आयरलैंड वफ़ात 1745। जोनाथन स्विफ्ट का शुमार अंग्रेजी के मशहूर तंज निगारों में होता है उनका वतन आयरलैंड था उनकी तहरीरों में आयरिश अवाम के दुख दर्द का बयान नहायत खूबी के साथ किया गया है इंतकाल से पहले स्विफ्ट एक शदीद दिमागी मर्ज के शिकार हो गए थे ये सबक स्विफ्ट की मशहूर किताब गुलीवर्स ट्रेवल्स से माखूज है इस किताब के कुछ हिस्सों का तर्जुमा अहमद खां खलील ने गुलीवर के तीन हैरत अंगेज़ सफ़र के नाम से किया है ये सबक इसी तर्जुमे से माखूज है स्विफ्ट ने अपनी ये किताब 1726 में लिखी थी उसमें उन्होंने अपने ज़माने में इंसानियत के जवाल और आम समाजी सूरत हाल पर गहरा तंज किया है और इसके लिए दिलकश तख्यूलाती फ़िज़ा का सहारा लिया है मेरा नाम गुलीवर है मैं शुमाली इंग्लिस्तान के एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ मेरे वालिद काश्तकार थे उनकी थोड़ी सी ज़मीन पर हमारा पूरा कुंबा गुजर बसर करता था हम पांच भाई थे मैं सबसे छोटा था हमारे वालिदैन हम सबसे बहुत मोहब्बत करते थे उनकी ज़बरदस्त ख्वाहिश थी कि हम तालीम हासिल करें लेकिन अखराजात रोज बरोज बढ़ रहे थे और मैंने यह महसूस किया कि अब मुझे कुछ करना चाहिए मैं स्कूल छोड़कर रोजगार की तलाश में निकला मुझे एक बहरी जहाज एंटीलोप पर नौकरी मिल गई एंटीलोप जहाज के कप्तान का नाम रिचर्ड था मई 1700 में यह जहाज बहरे जुनूबी की तरफ रवाना हुआ सफ़हत दो हमारी मंजिल वो जजीरे थे जिन्हें जजायर शर्कुल हिंद कहते हैं समंदर में तेज हवाओं की वजह से बड़ी बड़ी मौजें उठना रोज का मामूल था एक दिन तो इतनी तेज हवा चली कि वो जहाज को किसी और तरफ धकेल कर ले गई और हम वान देमन लैंड यानी तस्मानिया के शुमाल में जा पहुंचे उस तूफान में मल्लाहों को मुसलसल काम करना पड़ा कोई किनारा नजर ना आता था सख्त मेहनत और खराब गजा से हमारे बारह आदमी मर गए एक दिन सुबह बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता था फिर भी हमारे एक आदमी को एक चट्टान नजर आई कप्तान ने जहाज को चट्टान से बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन हवा ने जहाज को उस चट्टान पर दे मारा जहाज के पेंदे में सुराख हो गया हमारे छह आदमी एक कश्ती को लेकर समंदर में उतरे लेकिन हवा क्या थी एक आफत थी उसने कश्ती को उलट दिया मुझे यह नहीं मालूम कि मेरे बाकी साथियों का क्या हुआ शायद वो डूब गए थे लेकिन मौजें मुझे उठाए उठाए लिए जा रही थीं मैंने कोशिश की कि पांव नीचे लगाकर देखूं कि जमीन करीब तो नहीं मगर पांव जमीन पर लगते ही न थे खुश जमीन मैं इसी कश्मश में था और बार बार यही खौफ पैदा होता कि मौत करीब है अचानक मेरे पैर जमीन पर जा लगे अब हवा भी कुछ थम गई थी एक किलोमीटर तक मैं पानी में चलता गया फिर खुश्क जमीन आ गई उस वक्त मेरी जान में जान आई शाम के सात बज रहे थे मैं थकन से चूर था फिर भी हिम्मत करके आगे चला मुझे न कोई आदमी नजर आया न कोई बस्ती वैसे भी मैं थकन की वजह से पूरे होश में न था एक जगह मैं नरम नरम घास पर लेट कर गहरी नींद सो गया नन्हे सिपाही मेरा ख्याल है कि मैं नौ घंटे सोता रहा सूरज निकल रहा था कि मेरी आंख खुली मैं चित लेटा हुआ था मैंने कोशिश की कि खड़ा हो जाऊं लेकिन खड़ा ना हो सका क्या देखता हूं कि मेरे हाथ पांव डोरियों से बंधे हुए हैं सफा नंबर तीन मेरे लंबे बालों को भी डोरियों से बांध दिया गया था मैंने हाथ लगाकर देखा कि डोरियां बड़ी बारीक थीं और मेरे जिस्म के चारों तरफ हजारों की तादाद में लिपटी हुई थीं और मुझे इस तरह बांधा गया था कि मैं हिल तक नहीं सकता था तस्वीर गुलीवर लेटा हुआ है उसके आसपास पास बहुत सारे छोटे छोटे बंदे मौजूद हैं मैं चित पड़ा था धूप सीधी मेरी आंखों पर पड़ रही थी फिर मुझे शोर सा सुनाई दिया लेकिन कुछ नजर ना आया अब ऐसा लगा कि मेरे तमाम बदन पर चींटियां सी रेंग रही हैं ये मेरे चेहरे पर भी आ गई थी मैंने गौर से देखने की कोशिश की तो वो मुझे आदमी से लगे कुल पंद्रह सेंटीमीटर लंबे जो शख्स मुझे नजर आ रहा था वो सिपाही की वर्दी पहने हुए था उसके बाद इस तरह के चालीस पचास सिपाही और आ गए मैं तीरों का निशाना बन गया मैं ये सब देखते देखते अचानक खुशी से चिल्ला उठा वो सब के सब डर के मारे भाग गए बाद में मुझे ये बताया गया कि उस भगदड़ में कई जख्मी भी हो गए थे थोड़ी देर के बाद वो फिर मेरे बदन पर चढ़ दौड़े सफा नंबर चार एक बौना जो मेरे चेहरे के करीबा पहुंचा उसने अपने बाजू उठाकर जोर से कहा हकीना दो गुल दूसरों ने जवाब दिया हकीना दो गुल हकीना मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे थे मैंने जोर लगाकर एक बाजू जमीन से उठा ही लिया तस्वीर गुलीवर खड़ा है उसके आसपास कुछ सिपाही घोड़ों पर मौजूद हैं फिर सर भी ऊंचा कर लिया अब मालूम हुआ कि उन्होंने जमीन में कीले ठोक कर मेरे बाल उनसे बांध दिए थे सर में सख्त दर्द होने लगा मैंने उन आदमियों को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो सरपट भागे फिर शोर गुल सुनाई दिया शोर के साथ ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बाजू में हजारों सुइयां चुभो दी गई हैं दरअसल वो मुझ पर तीर चला रहे थे कई छोटे छोटे तीर मेरे कपड़ों के अंदर घुस गए मगर मुझे कोई खास तकलीफ नहीं हुई कुछ आदमी आसमान की तरफ तीर चला रहे थे जो मेरे चेहरे पर आकर गिर रहे थे उनसे मेरे चेहरे में तकलीफ होने लगी मुझे खौफ था कि कहीं कोई तीर मेरी आंख में न घुस जाए मैंने चेहरे को अपने हाथों से ढांप लिया नन्ही मखलूक ने मेज बनाई फिर मैंने सोचा कि खैर इसी में है कि मैं रात तक चिपका पड़ा रहूं अंधेरा होने पर इन डोरियों से अपने आप को छुड़ाऊंगा इतनी छोटी मखलूक से मुझे कोई खतरा नहीं था लेकिन आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है सफा नंबर पांच मैं चुप हो रहा तो तीरंदाजी भी रुक गई तस्वीर, गुलीवर खड़ा है और उसके सामने मेज पे बहुत सारे खाने रखे हुए हैं कुछ लोग अपने सरों पर खाने की टोकरी उठाए हुए हैं मगर उस मखलूक की तादाद बेतहाशा बढ़ गई मुझे कान के करीब कुछ आवाज सुनाई थी देखा तो वो लोग लकड़ी की एक मेज बना रहे थे वो मेज कुल पैंतालीस सेंटीमीटर तकरीबन अठारह इंच ऊंची थी उस पर चार नन्हे आदमी खड़े हो सकते थे जब मेज तैयार हो गई तो चार आदमी उस पर चढ़ाए उनमें से एक आदमी दूसरे के मुकाबले में उम्र में ज्यादा था उसने खूबसूरत और लंबा सा कोट पहन रखा था उस कोट को एक लड़के ने जो उसके पीछे खड़ा था जमीन से उठा रखा था लंबे कोट वाले ने कहा लांगरों लंबे कोट वाला आदमी उसकी बात सुनकर चालीस आदमी आगे बढ़े उन्होंने मेरे सर के दूसरी तरफ डोरियां डाली अब मैं अपने सर को इधर उधर मोड़ सकता था और उन लोगों को देख सकता था फिर लंबे कोट वाले आदमी ने बोलना शुरू किया वो बड़ी रवानी से बोल रहा था और उसके साथ वो हाथ से इशारा भी करता था खासी देर तक वो बोलता रहा मैं उनकी जबान तो नहीं समझता था लेकिन मेरा अंदाजा ये था कि वो ये कह रहा था कि अगर तुम हमारे हुक्म की तामील करोगे तो हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे और अगर भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार डालेंगे मैंने अपना हाथ उठाया आंखें आसमान की तरफ की और इस तरह उनको ये समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूं और मैं कोई ऐसी बात न करूंगा फिर मैंने उन्हें यह बताने के लिए कि मैं भूखा हूं अपने मुंह की तरफ इशारा किया सफा नंबर छे खाने का इंतजाम लंबे कोट वाला आदमी मेरा मतलब समझ गया उसने सिपाहियों को हुक्म दिया और थोड़ी देर में कोई एक सौ आदमी मेरे जिस्म पर मार्च करते हुए मेरे मुंह तक गजा लेकर आए ये चीजें बादशाह ने भिजवाई थी क्योंकि मेरी आमद की उसे इतला कर दी गई थी ग़ा में चिड़िया के साइज से बड़ी कोई चीज़ नहीं थी लेकिन लगता ये था कि उन्होंने गाय बैल सालिम पकवाकर भेजे थे लोबिया दाल के दाने के बराबर मुर्गियाँ भी थीं मैं दो तीन चपातियों का एक लुकमा बनाता था और वो लोग ये देखकर हैरत ज्यादा थे खाना खा चुकने के बाद मैंने इशारों से पानी मांगा वह दूध से भरा हुआ एक बर्तन लाए और मेरे मुंह में उंडेल दिया मैंने और मांगा वो दूसरा बर्तन लाए लेकिन अब उनके पास दूध नहीं था मेरे खाने पीने को देखकर वो इतने खुश हुए कि उन्होंने मेरे बदन पर रक्स की महफिल मुनाकिद की और ऊंची आवाज से हकीना दो गुल के नारे लगाते रहे जोनाथन स्विफ्ट मतर्जिम अहमद खां खलील सवालत सवाल एक गुलीवर कौन था और वो क्या करता था सवाल नंबर दो गुलीवर को समंदरी जहाज में क्या दिक्कतें पेश आईं सवाल नंबर तीन खुश्क जमीन पर गुलीवर को कौन लोग मिले और उसने क्या महसूस किया सवाल नंबर चार नन्हे सिपाहियों ने गुलीवर के साथ क्या सलूक किया सवाल नंबर पांच लंबे कोट वाले आदमी की तकरीर का गुलीवर ने क्या मतलब समझा सवाल नंबर छह गुलीवर के बदन पर नन्हे सिपाहियों ने क्या किया इसी के साथ नौ असबाक की किताब उर्दू गुलदस्ता का पहला सबक खत्म हुआ सऊती तावुन असर नवाज उस्मानी तकनीकी नियंत्रण बटीलैंग लिंगडोह निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती निर्माण एवं निर्देशन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी ई टी एन टी नई दिल्ली भारत